नमस्कार दोस्तों, एचएसएससी चेयरमैन का नया अपडेट्स आया है। सीटी को लेकर उन्होंने कुछ नई जानकारी सभी के साथ शेयर की है और जो भी सीटी का एग्ज़ाम देना चाहता है सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लेनी है, सुन लेनी है। यहाँ पर उन्होंने जो है वीडियो के माध्यम से सभी के साथ जानकारी शेयर की है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उनका कहना है कि एचएसएससी सीटी में 25% जो 25% है हरियाणा जीके मैथ, 5 मैथ के हैं, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश तथा अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र जारी किए गए सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही पूछे जाएंगे। अगर 5 और 6 नवंबर को किसी भी अभ्यर्थी का कोई अन्य या एसएससी का कोई एग्जाम है तो अभ्यर्थी एक ही एग्जाम दे पाएगा, या तो एचएसएससी सीटी का एग्जाम दे या फिर किसी अन्य एग्जाम को दे। यहाँ पर जो सीटी की एग्जाम डेट है उनको किसी भी हालात में जो है चेंज नहीं किया जाएगा, स्थगित नहीं किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो में क्या बोला गया है। इस बात की जिज्ञासा सभी कैंडिडेट्स में थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है, और मैं आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधी जो हरियाणा की बात होती है ना, स्पष्ट रूप से बात करूंगा। कोई हेर फेर के आपसे कोई बात नहीं करूंगा। तो अल्टीमेटली हमने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 5 और 6 नवंबर को हमारा एग्जाम है। रही ये बात जो जिज्ञासा और आपकी भी जिज्ञासा है कि हमने इतना लेट क्यों नोटिफिकेशन करना पड़ा और बच्चों को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा, मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आयोग की और एनटीए की कुछ न कुछ इस तरह की रणनीति होती है जो वो समय से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने कल ही देखा कि सीटी के ऊपर हाई कोर्ट में जाके केस हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की क्या कि अभी तक तो डेट ही घोषित नहीं कर दें करी कि आपको स्टे कैसे दे दे। अगर यही नोटिफिकेशन कहीं 10, 15, 20 दिन पहले दिया होता तो शायद कोर्ट भी इस बात पे आ जाती कि इस पे कोई स्टे दे दे। तो कोर्ट को भी लगता है कि इतने टाइम में, इतना कम टाइम रह गया है, आयोग ने, एनटीए ने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी, उसके 50-60 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, इस समय में स्टे देना उचित नहीं है। तो मैं आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि देरी क्यों करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं देरी करते, कुछ हमारी इसके ऊपर रणनीति होती है। अगर क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो एनटीए ने बनाया है और रिजल्ट भी वही तैयार करेगी और सारी व्यवस्थाएं भी वही देख रहे हैं, उसमें 25 क्वेश्चन हरियाणा, 5 मैथ, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर साइंस, जीके के, अवेयरनेस के, एबिलिटी के। एनके ने हमारे को जो श्योर किया है वो कहा है कि 1 महीने से 1.5 महीने तक हम आपको फाइनल रिजल्ट बना के दे देंगे। लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो उसी दिन एसएससी एमटीआर का पेपर भी देंगे। उनका कहना था कि ये डेटें आगे पीछे कर लो, पर हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, इस स्थिति में हम डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। अब उन बच्चों की मर्जी है, वो हमारा एग्जाम देना चाहते हैं या एसएससी एमटीआर एग्जाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट था। जिस भी साथी ने एचएसएससी सीईटी का एग्जाम देना है तो अपनी तैयारी जारी रखे और इसी के बेस पर जो है आपका एग्जाम दिया जाएगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के सभी अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।